तेरा कि भूगोल की एक अच्छी पाठ्य जो पुस्तक है उसके क्या लाभ होने चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि भूगोल के अंदर जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं वह कैसी होनी चाहिए। उसके अंतर्गत जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत जो हमारी भाषा है वो सबसे पहले सरल होनी चाहिए ताकि जो छात्र है उन्हें आसानी से या शीघ्र समझ में आ पाए। फिर हम देखते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक है वो हमारे जो वो छात्रों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, यानी छात्र का स्तर किस प्रकार है उस प्रकार पाठ्य चाहिए और उसके मानसिक स्तर के आधार पर भी होनी चाहिए, जिससे जब हम पाठ्य पुस्तक से छात्रों को अध्यापन कार्य करवाएं तब हमें पता चले कि किस छात्र का मानसिक स्तर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही पाठ्य पुस्तक का निर्माण होना चाहिए। जो भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर विभिन्न चित्रों, मानचित्रों, रेखा चित्र का भी उपयोग साथ साथ में होना चाहिए, जिससे जो हमारे बालक है उनको उन चित्र को देखते ही पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम एक और तो पाठ्य पुस्तक से ज्ञान प्रदान करते हैं और एक तरफ अगर हम चित्र रखें, हमारे सामने चित्र प्रस्तुत हो या देखा जाए तो मानचित्र प्रस्तुत होता है तो छात्र क्या करते हैं, उन्हें शीघ्र समझ में आ जाता है और पढ़ने में वो रुचि भी लेते हैं। तो भूगोल के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तक है वह बहुत आकर्षक भी होनी चाहिए, उसके ऊपर का जो कवर होता है वह भी आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ पुस्तक में जब हम जिल चढ़ाते हैं तो वह अट्रैक्टिव होती है तो छात्र उसके बारे में पूछते हैं कि ये कवर अच्छा लग रहा है या उसका चित्र किस प्रकार बना हुआ है, तो जानने की जिज्ञासा बालकों के ऊपर होती है। तो जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वह पूर्णतः विषय से संबंधित भी होनी चाहिए कि जो किस विषय के अंतर्गत हम कौन सी पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहे हैं वह उससे संबंधित होनी चाहिए। अगर पाठ्य पुस्तक विषय से संबंधित नहीं है तो हमें पाठ्य पुस्तक से अध्ययन कार्य करवाना उचित नहीं होता है, क्योंकि हम जब उसको अध्यापन कार्य करवाएंगे तो कोई मतलब का रहता ही नहीं है। तो ये जो लाभ है वह पाठ्य पुस्तक में निम्न प्रकार से होने चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि लाभ नेक्स्ट है
अंतर्गत जो विषय वस्तु की जो जानकारी है वहाँ सही होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, तर्कसंगत होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत हम उसकी तुलना कर सके, विश्लेषण कर सके और साथ ही साथ हम जो हम इसके अंदर तुलना कर सकते हैं, जिससे जो विषय वस्तु है उसकी जानकारी हमें संपूर्ण प्राप्त हो पाती है। अब नेक्स्ट है
प्रकरण से भाषा शैली आयु
व मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं जो एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक है उसकी जो भाषा शैली है वह आयु व मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, यानी जो भाषा लिखी हुई है वह सरल शब्दों में होनी चाहिए और छात्रों की जो आयु है उसके आधार पर उसका मानसिक लेवल किस तरह का है उसके आधार पर पाठ्य पुस्तक का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट है कठिन बातों को सरल Thank you.
चाहिए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मुख्य मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं या किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखें।